दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक 100 से अधिक देश इसकी चपेट में आ चुके हैं और 2,13,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। भारत की बात करें तो कोरोना वायरस से भारत में अब तक 166 मरीज मिले हैं, इनमें से 3 मरीज की मौत हो गई है। भारत में कोरोना वायरस दूसरे स्टेज में है। कोरोना वायरस के कुल 4 स्टेज होते हैं। चलिए जानते हैं कोरोना वायरस के इन 4 स्टेजों के बारे में। स्टेज 1, इम्पोर्टेड केसेस, यानी कि आयातित मामले। इस स्थिति में संक्रमण के मामले वायरस से प्रभावित देशों से आते हैं। इसमें वही लोग संक्रमित पाए जाते हैं जिन्होंने विदेश की यात्रा की है। स्टेज 2, लोकल ट्रांसमिशन, यानी कि स्थानीय प्रसारण। भारत अभी स्टेज 2 पे है। इस स्टेज में कोरोना वायरस के मामले उन लोगों के हैं जो उन लोगों के संपर्क में आए हैं जिन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित देश की यात्रा की है, यानी जब संक्रमित लोगों से बीमारी का फैलाव स्थानीय लोगों में होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई वायरस प्रभावित देश जाता है या वहां से लौटता है और अपने रिश्तेदारों या पहचान के लोगों के संपर्क में आता है जिससे वे भी संक्रमित हो जाते हैं। इस स्थिति में स्थानीय ट्रांसमिशन में बहुत कम लोग प्रभावित होते हैं। आपको बता दें कि इस स्थिति में वायरस का सोर्स पता होता है और उसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के अनुसार इसका मतलब है कि वर्तमान में वायरस का कोई सामुदायिक संचरण नहीं है। ICMR डायरेक्टर जनरल ने कहा, हम स्टेज 3 में नहीं है। तीसरा चरण सामुदायिक प्रसारण है जो हमें उम्मीद है कि हमें नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कितनी मजबूती से बंद करते हैं, जिसमें सरकार ने बहुत सक्रिय कदम उठाए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सामुदायिक प्रसारण नहीं होगा। स्टेज 3, कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक प्रसारण। इटली और स्पेन अभी इस चरण में है। स्टेज 3 बेहद खतरनाक स्थिति है क्योंकि इस स्टेज में यह बीमारी देश के अंदर मौजूद संक्रमित लोगों से यहीं के दूसरे लोगों में फैलने लगता है। उदाहरण के लिए, जब कोई वायरस प्रभावित होता है और अपने रिश्तेदारों या पहचान के लोगों के संपर्क में आता है जिसके बाद वो भी संक्रमित हो जाते हैं। इस स्टेज में बहुत बड़ा क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। इस स्टेज में टेस्ट में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए लोग यह नहीं जान पाते कि उनमें वायरस कहां से आया है। तीसरे स्टेज में ही सरकार बड़े पैमाने पे मॉल, दुकान, बाजार, स्कूल आदि बंद करा देती है। इसे लॉकडाउन कहते हैं, ताकि वायरस किसी स्थिति में इलाके से दूसरे इलाके में ना पहुंचे। स्टेज 4, एपिडेमिक यानी महामारी। स्टेज 4 अंतिम चरण है और चीन, जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई है, अब इस स्टेज पे है। इस स्टेज पे बीमारी महामारी का रूप लेती है, यानी इस स्टेज में बीमारी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इस स्टेज में बीमारी काफी तेजी से फैलने लगता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जागरूकता बनी रहे, और ऐसे अन्य वीडियोस के लिए बने रहें माय नेशन के साथ।